जय मुरलीधर, जय द्वारकाधीश। आ चुका है वापस से माइनक्राफ्ट का वीडियो लेके। तो आज हम करने वाले हमारे आर्मर को अपग्रेड। अभी हमारे पास है आयरन का आर्मर, और आयरन का आर्मर से हम जाएंगे डायमंड की माइनिंग करने। पर उससे पहले हमें इस विलेजर से फॉर्च्यून 3 चाहिए, कैसे भी करके फॉर्च्यून 3 लेने का ट्राई करेंगे हम अब इसके पास से। तो कहाँ गया ये विलेजर, इतनी आसानी से देगा नहीं भाई। ट्राई करेंगे, कितनी देर में मिलता है देखते हैं, और उसके बाद से मुझे एमरल का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो करते हैं फटाफट। तो ये लगाऊंगा अब इसके मुंह के पास, तो ये पकड़ लेना चाहिए जॉब। देखो पकड़ रहा है भाई, नहीं दे रहा है ये तो, कुछ और दे रहा है, क्या पता दे दे एक दो बार ट्राई में। मल्टी शॉट ही दे रहा है ये वापस से, क्या पागल बंदा है तू। अरे कहाँ जा रहा है, रुक भी जा। लूटिंग 3 दे रहा है भाई ये, मुझे तो अगर फॉर्च्यून 3 चाहिए अगर देगा तो। ओके तो भाई लो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और ये मुझे फॉर्च्यून 1 दे रहा है भाई, क्या करूँ। 16 भाई बहुत ज़्यादा चाहिए ये, एक से तो काम नहीं बनेगा ये, इससे 3 ऐसे नहीं चलेगा। तोड़ो इसको वापस से, करते हैं और ऊपर ट्राई, फटाफट से लेते हैं इससे। अब तो लेकर ही रहूँगा भाई मैं, इससे लेते हैं और उसके बाद माइनिंग पे चलेंगे और घर भी चलेंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे उसके बाद। तो फाइनली भाई लोग, अब देखो ये मुझे फॉर्च्यून 3 दे रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ही टाइम हो गया, मतलब कब से मैं तोड़ा, कितनी बार तोड़ा, उसके बाद ये अब जाके मुझे ये दे रहा है फॉर्च्यून 3। तो अब इसको लेंगे हम, और एक बार तो इसको मैंने मार दिया था तो इसने प्राइस बढ़ा दिया। देखो इसका कितना ज़्यादा प्राइस कर दिया है इसने, 25 कर दिया, गलती से लग गया था इसको मैं मेरे हाथ से, तो इसने बढ़ा दिया। कुछ जुगाड़ करते हैं फटाफट से, रात भी होने वाली है दूसरी बार भी। यहाँ पर से मैं किसी को फ्लेक्चर बना के वो बेच सकता हूँ, या फिर कैटोग्राफर बना के ग्लास बेच सकता हूँ उसको मैं। सबसे पहले तो सुबह करेंगे, यहाँ पर हमारा बेट लगा हुआ है ये, ये देखो कोई और बैठा हुआ है, सो जाते हैं। यहाँ पर फ्लेक्चर बना के देखते हैं ना एक बार क्या होता है। ये तो मुझे पता है कि ग्लास के बदले में ये देता है, पर पता नहीं है कि ये पहले ट्रेड अपनी ग्लास वाली कब अनलॉक करेगा। ये देखो पहले तो पेपर वाली ही दे रहा है, देखता हूँ ढूंढता हूँ आसपास अगर कहीं पर मुझे वो मिल गई शुगर केन। शुगर केन तो मुझे कहीं पर दिख नहीं रही है, मुझे फ्लेक्चर ही बनाना पड़ेगा। फ्लेक्चर में देखूँगा कैसे बना सकते हैं, लकड़ियाँ काटूँगा बहुत सारी और उससे स्टिक बेच के बहुत सारी वो कर लूँगा। सबसे ईजी वाली वही ट्रिक है भाई, फ्लेक्चर बनाओ और आराम से भाई फिर उससे जो भी चाहो उतने ले लो एमरल्ड। उससे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास थोड़ी बहुत वुड तो है भी ऑलरेडी। मेरा वो किधर गया, क्राफ्टिंग टेबल। फ्लेक्चर कैसे बनेगा, ओके तो हमें फ्लेक्चर बनाने के लिए दो वो चाहिए, फ्लिंट एंड स्टील, दो चाहिए हमें फ्लिंट एंड स्टील, और कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी वुड है अपने पास। फटाफट करते हैं वो वाला काम। एक मिल गई, ये दो भी मिल गए, फटाफट से चलते हैं बनाते हैं फ्लेक्चिंग टेबल। कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर होता है ना, ये देखो ये रहा, ये सही बनाना था मुझे। एक्स कहाँ गई मेरी, टूट गई शायद से। फ्लेक्चिंग टेबल तो हमारा आ चुका है, इसको देते हैं फ्लेक्चिंग वाली जॉब फटाफट से, और स्टिक वगैरह ट्रेड करते हैं इससे। ये अपनी जॉब चेंज ना कर ले बस, तब तक मुझे याद रखना है कि दोनों में से कोई सा भी तोड़ना नहीं है। इसका पता नहीं कौन सी ले रखी है इसने, मुझे याद भी नहीं, जहाँ तक मुझे याद ये वाली है, पर तोड़ना तब भी नहीं है। अब ये फ्लेक्चर बन जाए कोई, ये तो नहीं बन रहा है, इसका मूड नहीं है। इसमें से कोई सा बन जाएगा या फिर सब बने हुए, हाँ भाई सब बने हुए। कैटोग्राफर हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी, ये सुबह चेंज होंगे, देखो सो भी रहे हैं अभी के लिए, सुबह अपने आप ही बदल जाएंगे ये। फ्लेक्चिंग टेबल यहाँ पर ही लगा देता हूँ, देखो मेरे बेड पे एक तो सो गया है, इसको उठाओ, मेरा मेरी जगह है ये।
अब ये जो पकड़ लेगा, देखो ये खाली हो गया, देखो बन गया ना। लेक्चर से क्या, ये क्या दोनों चीज़ें बेच रहा है, ये कुछ ले नहीं दे नहीं रहा है, मतलब ये क्या चीज़ है। अरे यार कल मारा था उसको मैंने, अब तो मान जा तू, बता ये देख क्यों नहीं रहा है फिर। ये देखो भाई 33 में दे रहा है, चलो सही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है 32 में। ओके फटाफट से करते हैं इसका काम। ओके अब फटाफट से मैं ना इतने एमराल्ड जमा करता हूँ 25, उसके बाद ही मिलूँगा फटाफट से, ठीक है। ओके तो भाई लोग यहाँ पर हमने काफ़ी सारी स्टिक बना ली हैं, देखते हैं इतने में से कितनी आ पाएंगी बाकी की, वो वरना वापस से मैं जाऊँगा। यहाँ भाई काफ़ी सारी, अपने इसने ट्रेड बंद कर दी है, देखो दूसरे लेवल पे इसने खोल दी है ये वाली। कल सुबह का इंतज़ार करते हैं, पता नहीं रात तो कब होगी, उसके बाद ही ले सकते हैं अब। ओके तो मुझे याद आ गया इसके पास से एक बुक भी तो चाहिए हमें, 21 कर दिए इसने भी, 20 से 25 थे वरना, तो अब दो ही चाहिए मुझे, पर उससे पहले मुझे एक बुक चाहिए, तो उसका इंतज़ाम करते हैं फटाफट से। हॉर्स होंगे तो जल्दी हो जाएगा, उसको मार के उससे लेदर मिल जाएगा, और फिर थोड़े से हमें पेपर चाहिए होंगे, कुछ शुगर केन चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फटाफट लूट के आता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगी। यहाँ पर भाई लोग शुगर केन लूट रहा था, यहाँ पर पास में नदी है, देखो यहाँ पर रूम पोर्टल मिला है, पोर्टल देख लेते हैं इसमें क्या है। फूड कम हो रहा है भाई, पहले फूड खा लेता हूँ। क्या है इसमें, गोल्डन एप्पल, ये देखो पता था ये तो। प्रोटेक्शन ये भी उठा लो, ये भी ले लो अभी। ये क्या है, स्माइट 4 भाई, ख़तरनाक है, पर ये टिकती नहीं ना ज़्यादा, इसे भी ले लो ताकि वापस मुझे दिखे ना, दिखेगी तो फिर से लूटने आ जाऊँगा मैं। अब चलो वापस। तो भाई लोग आ गया हूँ मैं वापस से, और अब तक शायद इसने ट्रेड ऑन कर दी हो क्योंकि रात भी हुई थी, पर अब यहाँ पर क्या चीज़ करनी थी मैं भूल गया। ओके शुगर केन इतनी लाया हूँ मैं, अरे अभी दिक्कत हो जाती, पेपर बनाना है इससे, रुक जाओ ऐसे नहीं काम होगा। इतने से एक बन जाएगी क्या वो, अरे अभी तक मैंने वो भी नहीं मारे हॉर्स। फटाफट से लेदर इकट्ठे करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ फटाफट। देखो हॉर्स दिख रहा है वहाँ पर, यहाँ पर हो गया है काम, दे दे भाई सारी दे दे। सारी स्टिक ले ले। ओके स्टिक मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब चलते हैं यहाँ पर, दे दे भाई फटाफट। फॉर्च्यून 3 भाई साहब, और एक फॉर्च्यून ले ले क्या इससे पास से, फ्लेचर से ट्रेडिंग करके, कितनी हो जाएंगी फिर हमारे पास। पर दो को हम क्या ही करेंगे, बाकी चीज़ें तो अभी बाद में करेंगे, अभी के लिए ठीक है। अब सारी चीज़ें तोड़ लो यहाँ से, बोट भी दे दे भाई मेरा, चलो निकलो यहाँ से, यहाँ से बेड उठा हुआ बना, फ्लेक्चिंग टेबल ऐसे ही रहने दो, हमारे तो क्या ही जा रहा है इसमें। यहाँ पर देखो वापस से रात हो चुकी है, और सुबह हम निकल जाएंगे फटाफट से, यहाँ पर सोते हैं और सुबह को निकलेंगे घर की तरफ, मतलब माइनिंग करेंगे वहीं पर। और फॉर्च्यून लगाने के लिए बहुत सारे आयरन चाहिए होंगे, तो वो भी करेंगे। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, और हमने सारा सामान इसमें कचरा फेंक दिया और बाकी चीज़ें ले ली हैं, अब चलते हैं फटाफट से घर की तरफ। घर है हमारा कहाँ पर, यहाँ पर माइनस हो रहा है। ओके इस साइड सीधा जाना है, दोनों चीज़ माइनस हो रही है, फटाफट घर जाते हैं, घर जाके मिलता हूँ, ठीक है भाई लोग। यहाँ पर आ चुका है हमारा घर, ये देख लो, ये आ चुके हैं हमारे घर के पास। घर में ग्लास वगैरह भी लगाने हैं, डेकोरेशन भी करना है भाई, पर पहुँच चुके हैं घर। अब हम करेंगे माइनिंग,
पहले उससे पहले मैं यहाँ पर से ली हुई सारी चीज़ें यहाँ पर रख देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर देख लो ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। एक डायमंड है इसमें, कीमती चीज़ों में एक डायमंड है, और बस उसके बाद एक ये दो गोल्डन एप्पल मिले हैं, उसके बाद एमरल्ड है, एमरल्ड तो मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ से मैं लाया हूँ। एक डायमंड मिल चुका है जिससे हम एक स्पोर्ट बना सकते हैं, पर हम वो बनाएंगे, इससे बनाएंगे ये वाली पिकेक्स बनाएंगे डायमंड की, और उसमें लगा देंगे हम लोग फॉर्च्यून। दो डायमंड लूटेंगे हम आयरन की पिकेक्स से। ठीक है भाई, एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर कहाँ गई लालटेन, ये रही लालटेन, लगा देते हैं चारों तरफ, देखो उजाला हो जाएगा यहाँ पर। रुक जाओ, पहले बाहर कहीं पर लगा देते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर शायद अब है क्या। हाँ यहाँ पर भी लग सकती है, यहाँ पर भी है, हो गया। ये देखो क्या मस्त चमक रही है, बस वो एक बीच में होनी चाहिए थी यार, पर नहीं हो रही है। उसका बाद में कुछ करेंगे, अभी के लिए रख देते हैं वापस से और चलते हैं माइनिंग के लिए। यहाँ पर अपने साथ थोड़ी वुड और कोल, कहाँ गया मेरा, ये रहा, टॉर्चेस बनाने के लिए, टॉर्चेस बनाने के लिए स्टिक भी ले लेते हैं, और कुछ स्टोन वगैरह तो नहीं है। आयरन की एक पिकेक्स बना लेंगे, उसके साथ एक स्वॉर्ड भी बना लेंगे। पिकेक्स कहाँ, ये रही, एक पिकेक्स बन गई, एक स्वॉर्ड बन जाएगी, और तो अभी के लिए एक ही है आयरन, इसको वापस रख दो। और टॉर्चेस बनानी है, टॉर्चेस बना लेता हूँ फटाफट से। ओके अब ठीक है, 16 हो गई है, बाकी के कोल रख लेता हूँ अभी के लिए, काम आ जाएंगे कहीं पर। अब चलते हैं केव ढूंढेंगे पहले। यहाँ पर देखो भाई लोग, हमें बहुत बड़ी केव मिल चुकी है। अरे भाई ये क्या है, अरे नहीं माइनशाफ्ट है ये तो, पर भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह नहीं होगी। देख लेते हैं एक बार सारी चीज़, एकदम खुली पड़ी है, देख लो वहाँ पर कोल वगैरह भी है। वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो कॉपर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बारिश भी बंद नहीं हो रही यार, बारिश में सो सकते हैं, थंडरस्टॉर्म होगा तो ही सो सकते हैं, इसमें नहीं सो सकते। धीरे धीरे से जाते हैं, पहले खाना खा लो, डूब के नहीं मरूंगा भाई मैं। शायद हो गया थंडरस्टॉर्म, अब सो सकते हैं। ओके बेस्ट भाई, हो जा सुबह। ओके सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो लावा भी गिर रहा है यहाँ पर, क्या ही तो जगह मिली। पर बहुत सारे मॉब है, देख लो यहाँ पर कितने सारे मॉब है। खुली सी माइनशाफ्ट है, यहाँ पर वो वाली मकड़ियाँ भी होंगी भाई, अभी तो अंदर जाना सही नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पर मेरे पास भी एक है, यहाँ पर भी एक केव ये दिख रही है, यहाँ पर भी ब्लू कलर का कुछ है भाई, क्या है ये, उतर के देखें क्या इस साइड से। आ जाओ ट्राई करते हैं, यहीं पर चलते हैं अब। स्वॉर्ड कहाँ है सबसे पहले, केव तो ये बड़ी खतरनाक सी लग रही है भाई, ये चीज़ ले लो, और भी मिल गया ना, ले पानी मिल गया यहाँ से, तो पता भी तो नहीं चल रहा कहाँ है। तो फटाफट से आयरन लूटता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर देखो, एक केव मुझे इस साइड मिली है, और ये वाली है जो रविन, इस साइड भी एक है, तो हम इस साइड ट्राई करेंगे यहाँ से नीचे उतर के। यहाँ पर तो काफ़ी छोटी सी जगह है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई कुछ ज़्यादा होगा, पर ये देख लो यहाँ पर है, लूट लेते हैं जितना है। काफ़ी ज़्यादा मिले भाई ये तो एक ही जगह से, और है क्या इसके नीचे है बता दो, नहीं है। और उसके साथ हमें दो डायमंड भी चाहिए भाई, अगर मिल गए तो। 20 पे हैं हम,
थोड़ा सा और नीचे खोदते हैं, पहले वहाँ पर देख लेता हूँ अगर जाने का रास्ता है तो ठीक है, नहीं है ये ख़त्म होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारा हमारे पास देखो आयरन हो चुका है यहाँ से। अब चलते हैं यहाँ से, फटाफट बाहर निकलते हैं। अरे यार केव में मर गया मैं, अब कहाँ स्पॉन हो गया मैं, गलती से उसमें गिर गया था भाई मैं। मुझे कुछ याद भी नहीं है कहाँ है मेरा घर और कहाँ पर भाई मैंने उसको मारा था, देखना पड़ेगा मुझे भाई। यहाँ पर मैं खतरनाक तरीके से यार अचानक मर गया मैं, जल्दी में मुझे जाना नहीं चाहिए था, धीरे धीरे जाना चाहिए था। यहाँ पर मैंने रेंडर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम कर दिया है ताकि डिस्पॉन ना हो सामान मेरा, जब तक वो चंक लोड नहीं होगा तब तक वो डिस्पॉन नहीं होगा सारा सामान। फटाफट चलता हूँ मैं वहाँ पर। यहाँ पर चेक ये उठा लेते हैं और एक शील्ड बना लेते हैं। भाई यार मैं मरना नहीं चाहता था, पूरे गेम में पहली बार मर चुका हूँ इसमें पहली ही बार। ये देखो भाई पैनिक हो गया ना भाई, यही तो गलती करता हूँ मैं। यहाँ पर शील्ड ले ली है, कुछ खाना भी ले लेना चाहिए मुझे। यहाँ पर आ चुका हूँ भाई वापस से मैं, सामान गायब होना नहीं चाहिए इतनी सी देर में। ये लो गया, सामान भी यहीं पर पड़ा है, सामान मिल तो गया भाई। अभी और भी है, कहाँ पर है सारा सामान, नीचे गया मुझे लगता है पानी के साथ बह के। ये रहा भाई पहली खतरनाक वाली मौत हमारी हो गई यहाँ पर, वरना कितना बढ़िया रहता, मरना नहीं चाहता था पूरे वर्ल्ड सर्वाइवल वर्ल्ड में मैं। यहाँ पर हमारा सारा सामान आ गया क्या, टॉर्चेस कहाँ, ये लगा हुआ। सबसे पहले इसको तोड़ो, और कोई सामान तो नहीं है यहाँ पर जो चला जाए कहीं, जहाँ पर लग रहा है मुझे तब तक तो सारा सामान मिल चुका है हमें। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं, फटाफट से चलते हैं ऊपर। अब पिछली बार ऐसे ही फटाफट जाने के चक्कर में ही मर गया था। ये देखो स्टोन पड़े हैं थोड़े बहुत, इसे हटा दो, वो मैं मार देता उसको, पर मैं पैनिक हो गया ना भाई अचानक आ गया तो, और मेरी हेल्थ भी नहीं थी और मैं गिरा ऊपर से वहाँ से, तो इसलिए ऐसा हो गया, वरना नहीं होता। अब मरेंगे नहीं हम, सबसे पहले रेंडर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा मैंने कम कर दिया था। यहाँ पर आ चुके हैं घर पर, और यहाँ पर लगा देते हैं सामान हमारा कहाँ है, इसको हटाओ पहले, लकड़ियाँ रख लो, लगा दिया है भाई। पैनिक नहीं होता ना तो भाई मैं मरता ही नहीं एक भी बार, पर अब कोशिश करेंगे मरे ना हम। यहाँ पर ये हो जाने के बाद हम वो बनाएंगे एनविल, और उसमें लगा देंगे हम फॉर्च्यून, और पूरा आर्मर बना लेंगे, हेलमेट नहीं है हमारे पास। तब तक ये काम कर लेते हैं कि मैंने दरवाजे भी नहीं बनाए हैं तो वो कर लेते हैं फटाफट से। डोर ये रहे, ब्लैक वाले सही नहीं लगेंगे। यहाँ पर ये लगा देते हैं अंदर की साइड से, ये लग गए अब ठीक है। कुछ चीज़ की कमी लग रही थी पर समझ नहीं आ रहा था, ओके ठीक हो गया। अब फटाफट से ये हो जाने का वेट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग रहा है उसमें, तब तक ये कर लेते हैं। यहाँ पर अब तो हो जाना चाहिए, ओके काफ़ी सारे हो चुके हैं, यहाँ पर भी हो गए हैं। यहाँ पर कुछ और लगा देते हैं, खाना लगा दो अभी के लिए, ठीक है दो तो दो सही है। यहाँ से तीन वो ब्लॉक बना लेते हैं फटाफट, एक दो और ये तीन, तीन ब्लॉक बन गए। अब बन जाएगा अपना एनविल, ये रहा ये आ गया एनविल। अब क्या बनाएंगे, रुक जाओ इससे पहले ये रख दो इसकी जगह पर। एनविल को लगाएंगे हम यहाँ पर अभी के लिए, टेम्परेरी है, बाकी नीचे अभी ग्लास वगैरह सारा कुछ इंतज़ाम नीचे होगा। यहाँ पर हमारे पास एक डायमंड तो है, तो अभी के लिए हम डायमंड की ही पिकेक्स बनाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि डायमंड की ज़्यादा सही रहती है। वेट कर लेते खाने का, दो तीन डायमंड लेने तो जाना पड़ेगा वापस। छोड़ो अभी के लिए एक डायमंड लेके आते हैं, दो डायमंड लेने हैं, वहाँ पर जाके कहीं पर खोद के वहाँ पर जो स्ट्रिप माइनिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। चलते हैं फटाफट से,
एक और मेन चीज़ भूल रहा हूँ भाई, मैं वाटर बकेट बनानी है मुझे, यहाँ पर बना लेते हैं। वापस आ गया तो याद आ गया मुझे, ये रही, एक ही चाहिए, दो नहीं। यहाँ पर से हो गया, यहीं पर खोद रहा हूँ मैं पास में ही नीचे जाने के लिए। यहाँ पर से ये जगह बेस्ट रहेगी, यहाँ से खोदते हैं, फटाफट चलते हैं नीचे केव में। बस केव ना आ जाए यहाँ कहीं पर, क्योंकि केव में बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे। फटाफट नीचे तक चलते हैं 53 ब्लॉक तक, फिर वहाँ से वापस से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, ख़तरनाक वाला सीन हो गया है। यहाँ पर भी केव आ गई शायद कोई सी, तो मुझे देखना पड़ेगा। पहले तो पीछे हटो, मैं गिरने ही वाला था भाई। नीचे तो नहीं उतर सकते मुझे नहीं लगता है, खुली है, खुली केव भी पसंद नहीं है ना, इतनी ज़्यादा खुली केव भी नहीं चाहिए भाई किसी को। यहाँ पर उतरते ही वो लोग मार देंगे। खुली केव का क्या मतलब हुआ फिर, समझ रहे हो भाई? एंडरमैन भी आ गया भाई यहाँ पर, तो इस साइड जा सकते हैं मुझे लगता है। इस साइड खोद के देखता हूँ एक बार। यहाँ पर खुल तो गया है पर डायमंड कहीं पर नहीं दिख रहे। यहाँ पर आ भी चुके हैं सब के सब, लेपिस वगैरह दिख रहा है। यहाँ पर अब कुछ जाता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। गया बच्चा, अब सब जगह पर पहले तो उजाला करो भाई। यहाँ पर देखो ना, आंखें चमक रही है भाई उसकी। पहले सबसे पहले मैं वहाँ पर मार्क लगाता हूँ, कहाँ से आया था मैं। अरे कहाँ से आया, ले ये भी भूल गया कहाँ से आया था। यहाँ पर भाई डायमंड दिख चुका है मुझे पहला, फटाफट यहाँ पर चढ़ता हूँ ऊपर में। पता नहीं यहाँ पर कितने मोब है, देखो ये भी एक दिख रहा है यहाँ पर। पहला डायमंड हमारा हमें दिख गया यहाँ पर, फटाफट उठा लो। आ गया एक, एक ही है क्या भाई? दो होते तो भाई मैं कितना बढ़िया रहता, मैं चला जाता ना तुरंत। एक और दीदा, एक और नहीं है यहाँ पर। खुली केव में तो मुझे कुछ मिला नहीं भाई, तो अब यहीं से सीधा चलते हैं। पहले यहीं पर बहुत सारे निशान लगा दो ताकि पता चले कि यहाँ से आया था। चलते हैं वापस नीचे। ओके तो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हमारे 53 ब्लॉक पर। अब थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद स्ट्रिप माइनिंग करेंगे। पहले एक चैम्बर सा बना लेते हैं आगे की साइड। यहाँ पर हो चुका है इतना, अब यहाँ पर एक काम करते हैं ना, चेस्ट लगा देते हैं यहाँ पर। एक फुल हो चुकी है इन्वेंट्री, तो यहाँ से फटाफट से सारा कचरा हटाते हैं। पहले एक चेस्ट बना लेते हैं, सिंगल डबल बना लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से। अरे यार, स्क्राउच करके लगा दी। एक स्टैक रख लेते हैं, काम आ जाएगा। ये भी हटा दो। अब एक काम करते हैं ना, F3 प्लस G दबाते हैं। देख लो, चंक बॉर्डर यहाँ पर ही है, इसे ही कहते हैं ना येलो लाइन को शायद, तो इसी साइड जाना है मुझे। बेस्ट चीज़ होगी ये, तो बंद नहीं करना है मुझे, याद रखना है। तो फटाफट से पहले डायमंड ढूंढता हूँ, उसके बाद मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें तो। ओके तो भाई लोग, ये देखो, यहाँ पर से मैंने इतना माइन किया, इस साइड पूरी साइड माइन कर लिया, यहाँ पर से थोड़ा बहुत कर लिया यहाँ पर देखो। और यहाँ पर मैंने माइन स्टार्ट नहीं किया था इस साइड पहले वाले में, इसमें यहाँ से आके फिर ये किया और ये किया, फिर यहाँ से ये नहीं किया था तब, फिर वहाँ से वापस आके मैंने अब किया। तो ये देखो, मुझे एक डायमंड मिल चुका है यहाँ पर, एक ही चाहिए था मुझे। अरे भाई दो है यहाँ पर, एक ही उठाऊँगा पर मैं। ओ भाई, एक दो और तीन और हैं यहाँ पर, दो डायमंड मेरे पास हो चुके हैं। लेकिन मैं इसको अभी के लिए देख लेता हूँ कितने हैं,
पर तोड़ूंगा नहीं इससे ज़्यादा, मैं फॉर्च्यून से तोड़ूंगा इसको। बस देख लेते हैं कितने की है। आसपास देख लेते हैं, एक और तो होना चाहिए। ये देखो एक और है, 1 2 3 4, एक मैंने तोड़ लिया है। ओके यहाँ पर और नहीं है, 1 2 3 3, और ये पीछे वाला चौथा वाला 4, और ये शायद 5 या फिर ये काउंट हो गया। हाँ वो हो गया है, तो 4 है शायद यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ से, वापस आएंगे, इसका कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, और जगह तो मुझे याद है वैसे, पर ये फिर भी ले लेते हैं, घर पे रख के आऊँगा इन सबको। यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग बाहर, यहाँ पर भी कुछ टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि याद रहे मुझे कि यहाँ पर केव है खुली। चलो आ गए हैं घर पे, यहाँ पर फटाफट से हम क्राफ्ट कर लेते हैं। एक डायमंड कम है, कहाँ गया, इसमें रखा है, ये हो गए 3। यहाँ पर अब लगा लो यहाँ से, कहाँ गई ऐसे, हाँ ये रही, ये लगा दी हमने और ये कर दिया है। अब फटाफट एक काम करते हैं, एनविल कहाँ गया, ये रहा, बुक भी निकाल लो। सबसे पहले ये कचरा हटाता हूँ, रुक जाओ, कोविल स्टोन सारा इसमें डाल दो। ओके तो अब लगाते हैं इसमें बुक, ये रही बुक, ये लगाई हमने। इसका नाम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नाम नहीं रखते हैं अभी के लिए, ऐसे ही ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो हमें मिल चुकी है फॉर्च्यून 3 भाई, इसमें ख़तरनाक तरीके से अब माइनिंग करेंगे हम। चलते हैं माइनिंग करने के लिए नीचे वापस, उसी जगह पर स्ट्रिप माइनिंग करेंगे। आयरन ले लेता हूँ, आयरन से करेंगे इस बार, आयरन तो मिलता रहेगा, आयरन मैंने देखा है वहाँ पर बहुत सारा है। डायमंड आने के बाद तो फिर इसमें मेंडिंग वगैरह मैं लगा लूँगा बहुत सारी चीज़ें। अभी के लिए यहाँ से आयरन उठाओ, जितना है उतना मत रखो भाई, थोड़ा बहुत यहाँ पर रख लेते हैं। वहीं पर वापस से मिलते हैं डायमंड के पास। यहाँ पर आ चुके हैं हम वापस से, कहाँ गया, ये रहे, देखते हैं कितने मिलते हैं। 1 2, ये 3 है और ये 4 है, 4 से कितने मिलेंगे देखते हैं, आ जाओ। अरे भाई ऊपर एक और है, भाई साहब मज़ा आ गया, कितने होंगे देख लेते हैं। एक यहाँ पर पड़ा है, 12 मिल चुके हैं भाई, 4 और 5 से 12 मिले, 5 से मतलब बहुत सारे मिल गए ये तो। अब तो डायमंड का आर्मर बना के जाएंगे हम लोग, आ जाओ यहाँ पर से करते हैं वापस से स्टार्ट, इसलिए मैं देखो ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पर से ऊपर बाकी है आज, ये वाला करो, उसके बाद एक छोड़ के ये वाला, चलते हैं सीधा। अरे भाई ये देखो, जहाँ से मैं गया था ना 2 ब्लॉक आगे, वहीं पर यहाँ पर डायमंड दिख गए देखो मुझे, आ जाओ देखते हैं कितने हैं। ओके ओके 1 2 3 4 दिख गए भाई, मज़ा आ गया, ये तो 2 2 मिलेंगे तो भी 8 हो जाएंगे। अरे भाई वो 2 और हैं भाई, भाई साहब गजब हो गया, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक है। पास से किसी स्लाइम की आवाज़ भी आई थी अभी अभी इस साइड से, इसका मतलब स्लाइम भी मिल जाएंगे यहाँ पर, स्लाइम बॉल उठाओ फटाफट। 12 थे मुझे याद है, देखते हैं कितने मिलते हैं इसमें से। और आसपास है क्या, कुछ भी नहीं है, देखते हैं कितने मिले। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गए ये तो, 12 थे बहुत मिले भाई, बहुत बढ़िया, चलो इतना गिनना भी नहीं है मुझे अभी। वो स्लैम की आवाज़ ऊपर से आ रही थी शायद, देखो आ रही है ऊपर से आवाज़। यहाँ पर से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, काम आ जाएगा। स्लाइम ऊपर है मुझे याद है, अरे भाई साहब ये देख लो, अभी तो बोल ही रहा हूँ स्लाइम ऊपर है, और यहाँ पर ये डायमंड मिल गए और भी, यहाँ से अभी तोड़ा ही है मैंने बस।
देखते हैं यहाँ पर कितने हैं, एक ही नहीं होना चाहिए भाई। चलो दो है, काफ़ी है भाई, दो ही चाहिए। और भी होंगे क्या? स्लाइम यहीं से आ रही है आवाज़, देखो। अरे भाई साहब एक और तोड़ो, जल्दी तोड़ो, जल्दी तोड़ो, मज़ा आ गया। आर्मर तो बन जाएगा अपना आराम से। ओके तीन है, ऊपर हो सकते हैं अब, होंगे तो भी। तोड़ते हैं, अरे है देखो ऊपर है, ऊपर दो है भाई, भाई साहब तीन चार, अरे कितने की है ये? 32 थे अभी। अरे भाई मजा आ गया, सब दे दो भाई, रहना नहीं चाहिए। ऊपर स्लैम की आवाज़ आ रही, मार के आए क्या उसको? कितने हो गए? 45 हो गए, बहुत बढ़िया। एक स्टेक से ऊपर या फिर एक स्टेक हो गया तो मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर स्लाइम को देख लेते हैं एक बार, एक क्या ब्लॉक है। अरे भाई ये तो वो वाली जगह है, शार्ट जहाँ से मिलते हैं। तोड़ते हैं, आ जाओ, तोड़ने पे आवाज़ होगी। आ जाओ चलते हैं ऊपर। ज़ॉम्बी है क्या ये? कौन था वो अभी ऊपर? क्या करूँ, ज़ॉम्बी ना हो बस। अरे भाई साहब जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग। क्रीपर है, क्रीपर है, क्रीपर है, क्रीपर है, मैंने देखा है, देखा भाई। अचानक से ऊपर जाता तो मर ही जाता मैं। अब क्रीपर आएगा यहाँ पर, फट गए दोनों शायद। बढ़िया जगह है। अब स्लैम कहाँ पर है? आवाज़ तो आ रही है उसकी, स्लैम की आवाज़ आ रही है, पर स्लैम अभी तक ऊपर है, साइड में है शायद। यहाँ से सिल्क टच के साथ उठेगा या फिर ये ऐसे टूट जाएगा? अरे शार्ड मिल गया ना, उठा लो इसको भी, इसको फेंको। और भी ये रहा, बस इससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे, ये नहीं मिलेगा शायद, आधा है ये, ये मिल सकता है, इसको उठा लो। तो भाई लोग मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइनिंग कर ली है और मेरा स्टोरेज अभी फुल हो गया था। पता नहीं कितना रिकॉर्डिंग हुआ होगा और कितना नहीं, पर ये देखो यहाँ पर और भी माइन करते करते मुझे डायमंड मिल चुके हैं। देखते हैं कितने डायमंड हैं ये वाले, फटाफट से खोदते हैं और देख लेते हैं कितने हैं। वैसे हमारे पास आर्मर और टूल बन जाए इतने डायमंड तो ऑलरेडी हो चुके हैं, पर देख लेते हैं फिर भी और कितने माइन कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद खुली केव में जाएंगे ये सब चीज़ करने के बाद, और मैं वो भी बनाना चाहता हूँ इंचेंटमेंट टेबल। इसके लिए ही मैं ज़्यादा थोड़ा सा, मैं अगर मिल जाए डायमंड तो बढ़िया रहेगा ऐसा सोच रहा हूँ। तो माइन करते हैं, ये तो दो ही है शायद, तीन, ओके तीन है। और है क्या कहीं पर है तो बता दो। यहाँ पर भाई लोग हमने पोर्टल के लिए भी माइन कर लिए हैं ताकि पोर्टल बना ले। यहाँ पर से भाई मैं जो वो ले रहा था ना, जहाँ से वो ऑब्सिडियन लिया और वहाँ से मैं इस साइड आया भाई, यहाँ पर डायमंड दिख गए मुझे। और ये भी ले लो। अरे भाई साहब यहाँ तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी रवीन मिल गई है, तो बहुत बड़ी वेन मिल गई एक ही साथ। अब देखते हैं, अरे भाई साहब ये तो बहुत सारे हैं यहाँ पर भी, मज़ा आ गया, क्या बढ़िया है। पहले आ जाओ ऊपर पूरा। अब देखो एक, यहाँ पर दो तीन चार, ओके पाँच छः, अरे भाई गजब ही हो रहा है ये तो। इतने ज़्यादा डायमंड एक साथ मिल सकते हैं यहाँ पर, ये तो चीज़ मुझे पता भी नहीं थी भाई। अब भाई लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब चलते हैं घर की साइड, निकलते हैं घर के लिए। क्या पता यहाँ से मिल जाए जाते जाते, मज़ा आ जाता अगर मिल जाते तो। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न थोड़ा सा है, ये भी बता दो भाई लोग, ये जो कलर कलर की है इसमें क्या फ़र्क है? ये यहाँ पर डायमंड मिलते हैं क्या? ये वाली पे ब्लू कलर वाली है जो, उससे क्या होता है? और ये पर्पल और रेड सारी येलो क्यों आ रही है लाइन अलग अलग कलर की? या फिर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चंक बॉर्डर मतलब क्या होता है, ये भी बताना। मैंने तो ऐसे ही
ये जहाँ पर लाइन आ रही थी वहीं पर मैंने माइन कर दिया है। बाकी आप लोग बताना कैसे होता है ये, और ये भी फॉर्चून इसमें भी काम करता है कि नहीं ये भी बता देना, गोल्ड में मुझे पता नहीं है गोल्ड में काम करता है कि नहीं। चलो अब सीधा घर पे मिलते हैं, ठीक है भाई लोग। यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग घर पे। यहाँ पर क्रीपर क्या कर रहे हैं भाई, फटाफट बंद करो इसे, क्रीपर आ ही रहा है, सो जाओ फटाफट। दो तीन क्रीपर नीचे हैं, सोने भी नहीं देंगे क्या। यहाँ पर भाई लोग हो चुकी है बहुत बढ़िया वाली सुबह, ये देखो जल रहे हैं। दो दो क्रीपर मेरे घर के नीचे हैं भाई, एक ने तो गड्ढा कर दिया भाई यहाँ पर। इसको मारना बहुत ज़्यादा वो है, भागने वाली चीज। अरे भाई यहीं पे मर गया मैं, बताओ अपने घर के पास क्रीपर से कौन मर जाएगा भाई। गजब सीन पे तो पता चला अभी अभी मुझे, क्रीपर इतना खतरनाक होता है क्या भाई, पूरी हेल्थ खा गया मेरी। तो भाई छोड़ो क्रीपर को तो, पर ये बता देना अगर क्रीपर आयरन का आर्मर होगा तब भी एक ही बार फटने से मर जाएंगे हम लोग, ये भी बता देना। एक बार तो मर गए, कोई बात नहीं, दो बार हो गए टोटल तो, पर अब नहीं मरेंगे। बाकी ये देख लो इतनी लूट लेके मैं आया हूँ वहाँ से, माइनिंग से और विलेज से अपने, ये सारी उसमें से मिली थी, गोल्डन एप्पल वगैरह सारा कुछ। बाकी अभी के लिए डायमंड और टूल बना लेते हैं सारे, 64 में से बन जाएंगे क्या देख लेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें बनाते हैं, स्टिक अपने पास है। अरे यार ये मैंने गलत बना दी एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, सिल्क ट्रेड तो वैसे भी हमें चाहिए। तो ये बन गया हमारा डायमंड का पहला आर्मर। एक चीज़ बाकी है, कहाँ गई बूट, ये रहे। सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, रुक जाओ इसको यहाँ पर रखो, इसको यहाँ पर। टूल बाकी के भी बना लेते हैं, एक सोवल ये रही, पिक एक्स बन चुकी है, दो दो एक्स भी ये रही। यहाँ पर जगह करो सब रखने के लिए, ये हो गया, ये भी हो गया, दूसरे पे आएगी ये, और हमारे डायमंड की ये वाली स्वॉर्ड। यहाँ पर हो चुका है सब कुछ कंप्लीट, यहाँ पर ये देख लो। बाहर चलते हैं, रुक जाओ, पहन तो लिया है मैंने, आपको दिखाते हैं। ये देखो हमारा आर्मर, खतरनाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है बता देना। ये देखो ऐसा दिख रहा है, कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई इसमें तो, ये वाले में, पर ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये देख लो। तो भाई लोग बता देना आप लोगों को कैसा लगा ये वाला एपिसोड। यहाँ पर हमने पूरा आर्मर बना लिया, सारे टूल डायमंड के बना लिए, अब हम बनाएंगे अगले एपिसोड में कुछ फार्म बनाएंगे, देखेंगे कौन सा फार्म बनाएंगे। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मुरलीधर, जय द्वारकाधीश।